मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद सिरमौर जिला प्रशासन ने संभावित सूखे से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए सिरमौर जिला में लोगों के सहयोग से टिकरी पहरे लगाए जाएंगे। डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक के बाद विभिन्न महकमों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सिरमौर जिला में 48% बारिश कम मांगी गई है और सूखे की संभावनाएं बढ़ गई है। सिरमौर जिला में पंचायत स्तर पर लोगों के सहयोग से आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए टिकरी पहरे लगाए जाएंगे। लोग जहां वन विभाग को आगजनी की सूचना देंगे, वहीं आगजनी को रोकने में भी उनकी मदद करेंगे। डीसी ने कहा कि जिला में इस बार पशु चारे की कमी हो सकती है, ऐसे में पशुपालकों से आह्वान किया जा रहा है कि अभी से पशु चारे की व्यवस्था करनी शुरू कर चारे का भंडारण करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से जो हमें निर्देश मिले हैं सरकार की तरफ से, वो ऐसे हैं कि एक तो आने वाले समय में जो हमारा पानी की व्यवस्था है, क्योंकि जितना भी अभी तक हमने देखा ड्राई स्पेल जो है वो सिरमौर में चला हुआ है, लगभग हमारा 48% हमारी कम बारिश में विंटर सीजन में यहाँ पे देखने को मिली है। उसके माध्यम से अब यह शंका व्यक्त की जा रही कि अगर आने वाले समय में कुछ बारिश अच्छी नहीं होती तो 3-4 चीज़ों में हमें कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। एक तो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उसको चेक करने की आवश्यकता है कि कितनी स्कीमें जो है हमारा गर्मियों में वो प्रॉपरली चलती रहेंगी, कितनी स्कीमों को हमें जो है वो एनर्जाइज करना पड़ेगा, दूसरी स्कीम से जोड़ना पड़ेगा। उसके ऊपर हमारा काम स्टार्ट हो गया है। जितने भी हमारे जल शक्ति विभाग के अधिकारी हैं, एक्सियंस हैं और जो हमारे एससी साहब हैं, उन्होंने एक प्लान जो इसके बारे में तैयार कर रहे हैं ताकि किस किस स्कीम में कितना जो आज के समय में कितना पानी उसमें है उस वाटर फ्लो को ध्यान में रखते हुए और आने वाले समय में उसका कितना कम हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए जो उसको हम एक पूरी प्लानिंग उसकी कर रहे हैं। दूसरा था कि जो हमारे फॉरेस्ट फायर्स हैं, आने वाले समय में गर्मियों का मौसम आ रहा है और हमारे जितने भी जंगल हैं उसमें फायर लगने की संभावना रहती है, उसको कैसे निपटा जाए, उसके लिए कैसे तैयारी की जाए ताकि कोई इस तरीके के इंसिडेंट ना हो, उसके लिए भी सबसे पहले तो हमने किया कि हमारा ठीकरी पहरा होता है। ठीकरी पहरा एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो हम लोगों से आह्वान करते हैं जो पंचायत के लोग वहाँ पर हैं कि वो खुद ही अपने जंगलों को बचाएं और उसमें जो है वो जंगल में अगर आग लग जाती है उसको बुझाने अपना सहयोग दें, तो उसके भी ऑर्डर्स हम यहाँ से कर रहे हैं ताकि जितनी भी पंचायत हैं, पंचायत के प्रतिनिधि और वहाँ के जो नौजवान साथी हैं वो इसमें इस सारी जो हमारी प्रोसेस रहेगी उसमें हमारे साथ आएंगे और उन जंगलों को जो है बुझाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारा था कि फॉर्डर का जो कमी हम देखने को हम असेस कर रहे हैं कि आने वाले समय में फॉर्डर की कमी भी जो जिला में हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा फॉर्डर जो है वो बाहर के स्टेट से आता है, नियर बाई पंजाब हरियाणा उत्तराखंड से हमारा जो है वो आता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक तो हम सभी जो जितने भी हमारे किसान हैं उनको हम एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि आप जो है अभी इसका स्टॉकिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसा मौसम का जो हमारा ड्राई स्पेल चला हुआ उसको ध्यान में रखते हुए इसकी कमी जो है वो हो सकती है। और अभी जो मार्केट में रेट अच्छे हैं, 6 रुपये किलो जो है आपको साइलोज वगैरह मिल रहा है, तूड़ी भी अभी आने वाले समय में आ जाएगी तो उस समय भी आपको अच्छा जो है वो सस्ते में मिल सकती है, तो उसको भी प्रोक्योर करने की जो आवश्यकता है। तो एक एडवाइजरी हम सभी किसानों को दे रहे हैं। साथ में जितनी भी हमारी गौशालाएँ हैं, जो भी हमारे NGOs गौशाला चलाते हैं, कम से कम हमारी 14 गौशाला जो हमारे सारे जिला में चलती है, उनको भी हम एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि वो भी अपने अपने इसका फॉर्डर के लिए जो है वो स्टॉकिंग करना स्टार्ट कर दें ताकि किस तरीके की प्रॉब्लम उनको ना आए। जहाँ तक फसलों की बात है कि जो हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की अभी तक ड्राई स्पेल से काफ़ी ड्राई स्पेल होने के कारण अभी फसलों के ऊपर इसका इम्पैक्ट अभी आया नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है आ जाए, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए सभी हमने अधिकारियों को एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और हमारे रेवेन्यू जो हमारे अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि वो अपने एरिया में जो है इसको असेस करें और अगर लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट ज़्यादा है उसकी रिपोर्ट हमें भेजें ताकि इसको फिर रिलीफ मैनुअल के अकॉर्डिंग जो है सरकार के ध्यान में लाया जाए और सरकार जब नोटिफाई करेगी ड्रॉट तो उसके बाद जो उनको इसमें जो भी हमारा रिलीफ का जो एक असिस्टेंस मिलता है वो उनको मिलेगा। या तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और साथ में सभी जितने भी हमारे जिला के अधिकारी हैं उनके साथ हमने बैठक कर ली थी और सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए कि इन चीज़ों पर आपको इन तथ्यों पर आपको काम करने की आवश्यकता है और आने वाले समय में इसको हम रिव्यू भी करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।